क्या आप ये वाला फोन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप किस्तों पे खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, आपके पास एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, स्टेट बैंक, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपके पास बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड भी नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास एटीएम कार्ड होगा यानी डेबिट कार्ड होगा, तो आप उससे घर बैठे ईएमआई के माध्यम से आप जो है फोन को परचेस कर सकते हैं। आप किसी भी फोन को परचेस कर सकते हैं, चाहे आईफोन हो, चाहे सैमसंग का अल्ट्रा 23 हो, कोई भी फोन हो, कितना महंगा फोन हो, आप घर बैठे किस्तों पे उसको ले सकते हैं, वो भी डेबिट कार्ड पे, यानी आप एटीएम से ले सकते हैं। आपको हर महीने किस्त देनी पड़ेगी, आपके एटीएम से कट जाएगी, यानी आपके डेबिट कार्ड से कट जाएगी। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट से आप कैसे डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है फोन परचेज कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप घर बैठे कैसे आप डेबिट कार्ड से ईएमआई के थ्रू आप जो है फोन परचेस कर सकते हैं, कोई भी फोन, कोई भी 5G फोन है आप ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको आसानी समझ में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, स्क्रीन पे चलिए तभी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि flipkart.com, मैंने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस समय यहाँ पे बिग बिलियन सेल चल रही है, यहाँ पे कोई भी महंगी चीज आप सस्ते में खरीद सकते हैं, वो भी ईएमआई पे। कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे कोई मोबाइल परचेस करना है, मैंने मोबाइल कैटेगरी पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे कई सारी कैटेगरी मिल जाएंगी, किसी भी कंपनी का मोबाइल लेना उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है आईफोन 14 पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स बनकर आ गए, iPhone 14 पे क्लिक करूंगा, टोटल जो उसकी 56,999 लगभग 57,000 रुपए, मैं इस पे जो है क्लिक करूंगा, ठीक है। नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, पूरी डिटेल्स निकल के आ गई है, 56,999 यहाँ पे लिख के आ रहा है, बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे मैं फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे देखिए जो हमारी कॉस्ट है 56,999 की है, यूपीआई वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, कैश ऑन डिलीवरी, किसी भी माध्यम से मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे जो है पेमेंट करके फोन को परचेस कर सकता हूँ, लेकिन हमें लेना है ईएमआई पे, वो भी डेबिट कार्ड पे लेना है, ना कि क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, देखिए आपको ईएमआई वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके सामने कई सारे क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन आ जाएंगे, तो इनमें से किसी भी बैंक से आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप यहां से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है आप जो है फोन को परचेस कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यहां पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, आरबीएल बैंक है, यहां पे लिखा रहा है नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब यहां पे कहने का मतलब यह है कि यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से अगर आप फोन परचेस करते हैं यहां पे देखिए इसका मतलब यह है कि आपको 13,250 का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 3 महीने की ईएमआई बनेगी, उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन बैंक की चालाकी देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे इन्होंने बैंक का चार्ज लगा दिया है, बैंक का इंटरेस्ट लगा दिया 932 रुपए, यानी आपको 56,999 के अलावा आपको सिर्फ 932 रुपए देने हैं, आपको और इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे है कि आपको जो 3 महीने की ईएमआई बनेगी आपको कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं, हम बात करेंगे डेबिट कार्ड की, ठीक है। तो दोस्तों देखिए डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे कैसे आएगा यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने डेबिट कार्ड के माध्यम से फोन परचेस किया है, तो मैं उन्हीं का आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड है नहीं इसका, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन जानकारी देने के लिए आपको समझाने के लिए मैं उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हूँ, वो आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो उनका मोबाइल था वो 10,248 का था, कोई F12 मोबाइल था, ठीक है, वो परचेस कर रहे थे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, देखिए यहाँ पे आपके सामने देखिए अभी जो मैंने ऑप्शन लिखा है क्रेडिट कार्ड के, आपके सामने ऑप्शन आ गए, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है अदर ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं अदर ऑप्शन में यहाँ पे ऊपर क्रेडिट कार्ड के हमें जो है डिटेल्स आ रही, नीचे अदर ऑप्शन में आ रहा है एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है, एटीएम है, तो आप यहाँ से ईएमआई पे कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से उन्होंने परचेस किया, तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ से डेबिट कार्ड से ईएमआई के बाद हम चीज को परचेस कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पे आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने की किस्त पे आप यहां पे जो है चीज को परचेस कर सकते हैं, ईएमआई में पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 महीने के हिसाब से अगर करते हैं, ठीक है, 10,228 का, 200 का कुछ यहाँ पे जो है फोन था इनका, 3,508 की इनकी किस्त बन रही है 3 महीने की, 6 महीने के लिए लेते हैं तो 1,790 रुपए करीब इनकी 6 महीने की किस्त बन रही है, 1,216 की किस्त बन रही है 9 महीने के लिए, 930 की किस्त बन रही है 12 महीने के लिए। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, आप जितने मंथ के लिए ईएमआई अपना बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं, उस ईएमआई को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपना मोबाइल या वगैरह कोई भी चीज उसको परचेस कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ईएमआई पर आप कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपका डेबिट कार्ड एचडीएफसी का होना चाहिए। तो आप यहाँ से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने आप कोई भी प्लान चुन सकते हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके सामने पूरी चीजें लिख के आ जाएंगे कि यहाँ पे आपको पैकेजिंग चार्जेस कितना लग रहा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक द्वारा कितना लग रहा है, जो भी है सब आपके सामने लिख के आएगा, और 16% आपको
अलग से चार्जेस और देने पड़ेंगे, सब कुछ आपके सामने यहाँ लिख के आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा एक स्क्रीनशॉट और दिखाने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने सैमसंग का S21 FE को परचेज किया जिसकी कीमत 50,098 आपको लिख के आ रही होगी, ठीक है। इसको परचेज करने के लिए HDFC बैंक डेबिट कार्ड पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे भी इस तरह के काफी सारे प्लान आ गए, 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के, 24 महीने के। ये जो प्लान आए हैं इस फोन के प्राइस के अनुसार निकल के आए हैं, ठीक है, जो कि 50,098 का आप देख भी पा रहे हो, 50,098 लिख के आ रहा है, फोन की कीमत ही एक्चुअल यही है। तो यहाँ पे अगर 3 महीने का प्लान लेते हैं तो 16,700 रुपए 3 महीने तक लगातार देने होंगे। अगर यहाँ पे 6 महीने का प्लान लेते हैं तो 8,350 रुपए मतलब हर महीने देने होंगे। 9 महीने का प्लान लेते हैं तो 5,567 रुपए हर महीने देने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिख के आ रहा है 3 महीने के प्लान में नो कॉस्ट, 6 महीने के प्लान में लिख के आ रहा है नो कॉस्ट, 9 महीने के प्लान में लिख के आ रहा है नो कॉस्ट, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। 9 महीने के प्लान तक का आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। अगर 9 महीने से ऊपर जाते 12 महीने 18 महीने तो आपको यहाँ पे 16% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना होगा। लेकिन बैंकों की चालाकी क्या है, ब्याज तो नहीं लग रहा है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक लिख के आ रहा है 1,307 रुपए इन्होंने ये चार्ज लगा दिया, मतलब आपको यहाँ पे लगभग 1,300 रुपए इसके अलावा एक्चुअल जो अमाउंट है प्राइस जो यहाँ पे दी हुई है 55,098 इसके अलावा आपको 1,300 रुपए आपको एक्स्ट्रा और देने होंगे। ये बैंकों की चला गई, फिर भी आपसे मतलब जो है कम ही पैसे ले रहे हैं तो इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 1,300 रुपए देने पड़ेंगे, फाइल चार्ज समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो इस तरह से आप HDFC की डेबिट कार्ड यानी ATM पे आप EMI पर आप मोबाइल को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 महीने के प्लान में नो कॉस्ट EMI है, कोई ब्याज नहीं देना है, 6 महीने के प्लान में भी कोई ब्याज नहीं देना है और 9 महीने के प्लान में भी कोई ब्याज नहीं देना है। अगर ये 12 महीने का लेते हैं तो इनको बहुत दिक्कत होगी, 16% का ब्याज लगेगा। तो उसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक के अलावा भी जो चार्जेस लगेंगे वो अलग लगेगा, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो 9 महीने तक का ठीक है, 9 महीने के हिसाब से अगर ये प्लान चुनते हैं तो इनके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे ज्यादा नहीं 3,000 रुपए एक्स्ट्रा यानी 3,200 रुपए करीब एक्स्ट्रा लगने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी सोच समझ के लीजिएगा, आप जब परचेज करें तो अभी देख लीजिएगा नो कॉस्ट EMI किस पे, उसी पे आप जो है उसी प्लान को लीजिएगा ताकि आपको कम कॉस्ट पे ये फोन पड़े, वरना आपको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा। तो हमारे सब्सक्राइबर ने 50,098 के मोबाइल को लेने के लिए 9 महीने के प्लान को चुना जिसकी EMI आप देख पा रहे हो 5,567 रुपए थी। कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप किया और प्लेस ऑर्डर कर दिया, बैंक से OTP आएगा उसको वेरीफाई कर देना तो और आपका मोबाइल यहाँ पे आसानी से आप उसको EMI पे परचेज कर पाओगे, वो भी डेबिट कार्ड से। तो इस तरह से आप डेबिट कार्ड पर EMI से मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सके प्लान वो चुनना जिसमें नो कॉस्ट अप्लाई हो रहा हो, कोई ब्याज ना लग रहा हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, वरना आपको यहाँ पे ब्याज लगेगा, बहुत ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा, आपको हट जाएगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप डेबिट कार्ड पर घर बैठे जो है फ्लिपकार्ट से मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, वो भी EMI पर, डेबिट कार्ड की EMI पर, ठीक है। क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे जो है मोबाइल परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बजाज का EMI कार्ड कैसे अप्लाई करना है, वो बहुत फायदेमंद होता है कि अगर आपके बजाज का EMI कार्ड है तो आप Amazon, Flipkart कहीं से भी कोई भी चीज EMI में खरीदते हैं, किस्तों पे लेते हैं तो आपको ब्याज नहीं लगता है, नो कॉस्ट EMI पे आप यहाँ पे कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं बजाज EMI कार्ड से, बजाज फिनसर्व EMI कार्ड होता है। उसको कैसे अप्लाई करना, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, आपको पूरी हेल्प करूंगा। तो उम्मीद है जानकारी मिल गई होगी, तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।